सत्संग सुनाना चाह रहा था, ये रिसेंटली हुआ था, इसमें समझ नहीं आया था उस टाइम पे क्या हो रहा है, लेकिन एक बात जरूर है, गुरु जी आप तक थोड़े से कष्ट जरूर लाते हैं, लेकिन कितने कष्ट वो अपने पे ले लेते हैं ये हमें कभी पता ही नहीं होता, ना हम सोच पाते हैं ना हमने कभी देखा है, लेकिन ये गुरु प्रैक्टिकल गुरु, ये आपको कभी कभी एहसास भी दिलाते हैं कि किडनी प्रॉब्लम था तीनों बचाया है। ये रिसेंटली हुआ था, मैं एक बार ही अपनी गाड़ी लेके जा रहा दिल्ली, मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जब मैं वहां जा रहा था तो बारामूला से उतरते सामने पुलिस वालों ने जितनी भी गाड़ियां थी आधी गाड़ियों को राइट में कर दिया, रोक दिया, आधियों को लेफ्ट में कर दिया, और मैं अकेला बीच में आ गया, और जब बीच में आया तो पुलिस वाला मेरे सामने खड़ा था, तो मैं उसको देख रहा था, मुझे कहता है, मैंने कहा अच्छा मैं निकल जाऊं, तो मैं जो जा रहा था मैं उसकी शक्ल देखता हुआ जा रहा था जैसे कि ये मुझे क्यों जाने दे रहा है, तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा ये ना पक्का कहीं छुपे हुए थे, इन्होंने स्पीडिंग के चलान किए हैं, पता नहीं कौन से पेड़ पे झाड़ी में से निकल के आए और इन्होंने चलान किए, तो मैंने अपने ऑफिस में बताया, मैंने कहा ध्यान से आना, बारामूला में चलान हो रहे हैं, स्पीडिंग के चलान हो रहे हैं। नेक्स्ट डे फिर मुझे दिल्ली जाना था, तो मैंने कहा मैं रूट चेंज करता हूँ, यहाँ से बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आई वेंट फ्रॉम दी एम्बेसी, जब मैं एम्बेसी से जा रहा था तो वहां पे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के पास फिर एक बोल चक्कर पे पुलिस वाला बीच में खड़ा हुआ हुआ था और हर गाड़ी को रोक रहा था, और वो गाड़ियां भी ऐसी वैसी नहीं, मर्सिडीज, फॉर्चूनर, जितनी भी बड़ी लग्जरी कार है सबको रोका जाता था, और जब मेरी गाड़ी आती थी वो कहता आप जाओ, तो मैं फिर निकल आया। थर्ड डे मैंने कहा मैं गुरु जी के मंदिर ना माथा टिकाता हूँ, मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा मिल हो आता, जब वहां जा रहा था तो मैंने कहा आज मैं साउथ एक्स से जाऊंगा, यहाँ कुछ नहीं होता, जब मैं साउथ एक्स से गया तो वहां पे भी आगे गया तो वहां पे भी रोक रहे थे, उन्होंने वहां से भी निकाल दिया, तो जब मैं मंदिर पहुंचा वहां से हो गया। तो फोर्थ डे जब मैं फ्राइडे को शाम को 5:30 के अराउंड अपने ऑफिस से निकलने लगा था, तो वहां से जब मैं जा रहा था तो कोई दो लोग बात कर रहे थे, तो एक ने बोला क्या था, मैं तो गाड़ी पे आ ही नहीं पा रहा हूँ, जब से ग्रैप थ्री लगा मैं परेशान हो गया हूँ, मैं वहीं रुक गया, मैंने कहा कौन सा लगा, ग्रैप थ्री कब लगा, कहते 7 दिन से लगा हुआ आपको पता ही नहीं है, मैंने कहा नहीं, कहते मैंने कहा मेरी डीजल BS4 है और मेरी डीजल है तो मेरी तो बैन है, कहते मैं तो पुलिस वालों को बीच बीच में निकल के आ रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, तो वो मुझे वही कहते हैं अंकल ये बैन है, आप कितने दिन चला चुके हो, मैंने कहा 7 दिन, कहते बच गए हो, नहीं तो अगर 7 दिन का चलान होता, 1 दिन का 20,000 चलाना था, 1,40,000 आपके बन जाने थे। तो मेरे को गुरु जी ने उसने एहसास भी दिलाया कि आप कौन कौन सी चीजें आपके आसपास हो रही हैं आपको नहीं पता, आपको सिर्फ वही दिखाई देती है जो वो दिखाते हैं, बाकी कितनी तो अपने ऊपर लेके साइड में कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। अब मैं जब वो सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती, गुरु जी मन में सोच रहे होंगे या कमले नू मैं निकाल रहे हैं या पुलिस वाले या प्रॉब्लम दे बीच जाके खड़ा होके पुलिस वाले मुंह देख के खड़ा होकर देख रहे हैं, मैनू फड़ नहीं रहे, मैं ये एक कमाल की बात है। तो मैं वहां से निकल रहा तो मैं वही सोच रहा था क्या हुआ क्या है। फिर लास्ट डे जब अलका आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे 31st को उनकी गाड़ी को रोका गया, बहुत परेशानी हुई, तो मुझे वही रियलाइज हुआ, मैंने कहा ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आई खड़ी थी मेरे सामने और मुझे पता भी नहीं, और मैं कमलों की तरह उनकी शक्ल देखता हुआ जा रहा हूँ कि मेरे को ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मैं लोगों किसी को कह रहा हूँ किसी को स्पीडिंग का चलान हो रहा है, किसी को बता रहा हूँ कि ये ना कैमरा एक्टिवेट हो गए यहाँ पे एम्बेसी के सामने ये चलान कर रहे हैं, तो अजीब अजीब बातें सबको बताई जा रहा हूँ पुलिस वालों की उनको कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि ग्रैप 3 है ये गाड़ियां बढ़ रही। तो मैंने अपने किसी अंकल को बोला, मैंने कहा ये देखो इस पर तो स्टिकर भी ऑरेंज है, और जब मैं स्टिकर की तरफ देखा स्टिकर ऑरेंज नहीं है व्हाइट हो गया, मैं ये अपने भी बदल गया, लेकिन उसके बाद मैंने गाड़ी चलाई मैं ट्राई नहीं किया, मैंने कहा मैं जब तक ग्रैप 3 है तब तक मैं नहीं चलाऊंगा। और उस दिन आंटी का सुनने के बाद मुझे वही एहसास हुआ कि ये काफी चीजें हमें जो पता नहीं होती, हमें सिर्फ जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है हम उन प्रॉब्लम्स को सोच के ये सोचते हैं कि यही प्रॉब्लम दीजिए, गुरुजी ने प्रॉब्लम दी है, लेकिन वो प्रॉब्लम कहाँ है। और ये प्रैक्टिकल गुरु है, ये अपनी प्रैक्टिकल हिसाब से ही आपको समझा देते हैं कितनी बारी की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कभी कभी थोड़ा आपको एहसास जरूर दिलाते हैं कि यहाँ से बचाया भी है तेरे को, ताकि आपको एहसास रहे कि हाँ आपकी जो किस्मत है और जो चल रही है ना इसमें शुक्राना ही करना है आपको, क्योंकि क्या क्या आपके ऊपर आ रहा है और क्या आ सकता था वो चीजों को हम नहीं मानते और ना सुन पाते, लेकिन वो चीजों से बचाते हैं। तो यही था कि इन्होंने मनो बस मंगो नहीं, इन्होंने आपको बचाना है, तारना है, अपना चलते रहना है और रोज उसके शुक्राना जरूर करो, क्योंकि उसके लिए जो दिया है और उसके लिए जो नहीं दिया और वो जिससे उन्होंने बचाया। तू मेरे साथ सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई